नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एचडीएफसी बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। क्वार्टर टू के नतीजे आ चुके हैं, तो हम लोग आज देखेंगे कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नतीजे क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली कंपेरिजन में। अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग मंडे की तेजी देख सकते हैं, सॉरी फ्राइडे की तेजी देख सकते हैं। 2.92% की यहाँ पे तेजी थी स्टॉक में। और हम लोग पिछले एक महीने का यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखे तो चार्ट पैटर्न में 13.81% की ऑलरेडी तेजी हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजल्ट जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले देखा जाए तो वो अच्छा है। तो इस बेसिस पे हम लोग जो है सीधे सीधे मंडे में मार्केट में जाके ओपन मार्केट में या फिर पहले 9:15 के टिक को यहाँ पे स्टॉक नहीं लेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पहले स्ट्रेटेजी जानेंगे, स्टॉक के डिटेल जानेंगे और उसके बाद ही हम लोग कुछ डिसीजन ले पाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। इस वीडियो में हम लोग स्टॉक की इंपॉर्टेंट जो है क्वार्टरली टू के नतीजे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद करेंगे स्टॉक का फंडामेंटल चेक और फाइनली करेंगे टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स एनालिसिस, जहां पे हम लोग देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल लग रही है स्टॉक में निवेश के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इसी के साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे रहे कंपनी के क्वार्टर टू के नतीजे। यहाँ पे हम लोग कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट देख रहे हैं और सारी जो फिगर्स है रूपीज इन लैक्स में है। अगर हम लोग कॉलम वाइज बात करें तो ये जो कॉलम है ये क्वार्टर टू के नतीजे है, इस कॉलम की बात करें तो ये क्वार्टर वन के नतीजे है और इस कॉलम की बात करें तो ये क्वार्टर वन के नतीजे टू के नतीजे है, लेकिन ये लास्ट ईयर के नतीजे है। अगर हम लोग कंपनी की टोटल इनकम की बात करें जो हुई है इस क्वार्टर में 38,43,847 लाख। अगर हम लोग इसको पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करते थे तो वहां पे हुई थी 36,69,859। तो इससे हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे रिजल्ट अच्छा है, टोटल इनकम यहाँ पे आई इनकी बढ़िया है। अगर हम लोग वाईओवाई बेस पे देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनकी जो है टोटल इनकम हुई थी 3,36,13,096। तो पिछले ईयर के मुकाबले भी यहाँ पे एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है बैंक में। अगर हम लोग कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें जो कि एक्सक्लूडिंग प्रोविजन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो वो हुई है 23,64,000। अगर हम लोग इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते तो वहां पे हुई थी 23,01,457 लाख। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे हल्की मात्रा में हम लोग जो है एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए देख सकते हैं। अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर इसका एक्सपेंडिचर था 23,61,000, तो यहाँ पे भी हल्का सा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इनके एक्सपेंडिचर में। अगर हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो नेट प्रॉफिट हुआ है इस पर्टिकुलर जो है क्वार्टर में 77,71,137 लाख। तो पिछले क्वार्टर से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहां पे होता 6,94,088। तो वहां से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहां से 11% की सीधी सीधी जंप जो है इसके प्रॉफिट में देखने को हमें मिल रही है। और अगर हम लोग वाईओवाई बेस पे देखें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो वहां पे इनका इनकम हुआ था 66,64,880 लाख। तो लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पे जो है 15% की जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छे आंकड़े कंपनी ने पेश किए हैं, कंपनी ने पब्लिश किए हैं, क्योंकि देखा जाए तो अभी भी पूरी तरह से यहाँ पे COVID-19 से रिलेटेड जो इश्यूज है वो भी खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव संकेत है। एज वेल एज कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, आने वाले क्वार्टर में हम लोग इसका परफॉर्म जो है प्रॉफिट और बढ़ते हुए हम लोग कंपनी का देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। दोस्तों एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का एक दिग्गज बैंक है। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज्यादा मार्केट कैप है बैंक निफ्टी में। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के अगर हम लोग टॉप 10 इंस्टीट्यूशन उठा के देख ले, कंपनीज उठा के देख ले तो उसमें एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों आ जाते हैं। तो हम लोग एक समझ सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एचडीएफसी का यहाँ पे जो प्रेजेंस है इंडिया में। अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट कैप को देखें तो 6,60,000 का मार्केट कैप है, तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है। अगर करंट प्राइस की बात करें जो चल रहा है अराउंड 1,200 रुपए के आसपास, हाई की बात करें जो चल रहा है 1,306 रुपए के आसपास, लो की बात करें तो 739 से है। तो इससे हम लोग एक क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं COVID-19 में जब मार्केट गिरा था तो ये स्टॉक भी गिरा था और स्टॉक ने लो लगाया था 739 का, लेकिन अगर हम लोग अभी की बात करें तो अभी की ये प्राइस है हाई के आसपास निकल के आ रही है। तो देखा जाए तो बहुत ही ऐसी स्ट्रॉन्ग बैंक है जो ऐसे बुरे वक्त में गिरती तो है लेकिन खुद को रिकवर करने में भी उसकी बहुत जल्दी यहाँ पे रिकवरी दिखा दिया है। अगर हम लोग स्टॉक पी की बात करें तो 23 पे चल रहा है, इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो हल्के दामों पे, महंगी दामों पे करंटली कंपनी जो है
कामकाज कर रही है। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व की बात करें तो रिजर्व पड़ा है कंपनी के पास 1,75,810 करोड़, तो बहुत ही बड़ा रिजर्व है कंपनी के पास। और मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से भी बहुत दिग्गज कंपनी है। अगर हम लोग कोई प्रमोटर का शेयर प्लेज नहीं वो देखें तो आज के डेट में प्रमोटर का कोई भी शेयर जो है प्लेज नहीं है। अगर हम लोग कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 26.1%, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले हल्की सी जो है गिरावट हुई है। अगर हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी 37.04%, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे बढ़ी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी पिछले क्वार्टर से कॉन्स्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उन्होंने हल्की सी हिस्सेदारी यहाँ पे बेची है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस वालों ने हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। और हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की भी बहुत ही अच्छी तगड़ी हिस्सेदारी 14.04% की, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो वहाँ पे 1% की यहाँ पे हम लोग गिरावट देख सकते हैं। अदर्स की बात करें, पब्लिक की बात करें तो उनके पास है अराउंड 11% की हिस्सेदारी। अगर हम लोग कंपनी के पिछले 5 सालों के यहाँ पे परफॉर्मेंस को देखें तो 2016 से लेकर 2020 तक का यहाँ पे हम लोग डेटा देख पा रहे हैं। अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें तो 2016 में हुआ था 74,373 करोड़, और इस क्वार्टर की बात करें मार्च 2020 की बात करें एनुअल बेसिस पे तो यहाँ पे था 1,47,068 करोड़। और हम लोग यहाँ पे एक नजर डालें तो कंसिस्टेंटली ये हर साल बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो इनकम हर साल बढ़ना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे 2016-17 की बात करें या फिर यहाँ पे 2020 की बात करें तो मार्केट के लिए खराब दौर था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का इनकम कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो बहुत ही बड़ी बात है कंपनी के लिए। और हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 51,901 करोड़ था, और अगर हम लोग अभी की बात करें तो वो 95,173 करोड़ है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से इनकम बढ़ रहा है उस हिसाब से हम लोग एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हुए कंपनी का देख पा रहे हैं। फाइनली अगर हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें जो था 2016 में 12,817 करोड़, और अगर हम लोग मार्च 2020 की बात करें तो यहाँ है 27,296 करोड़। और हम लोग बीच के यहाँ पे आंकड़ों पे ध्यान दें तो कंसिस्टेंटली हर साल बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का इनकम बढ़ना, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ना यहाँ पे बहुत ही अच्छी बड़ी बात है कंपनी के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस कंपनी का HDFC बैंक का पीयर कंपैरिजन उसके पीयर कंपटीटर के साथ। अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात के ध्यान दें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देख पाएंगे कि मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले तो। अगर हम लोग पी की बात करें तो पी वहां पे चल रहा है इस कंपनी का 23 के आसपास, तो ये पी लगभग इसके इंडस्ट्री पी के आसपास निकल के आ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरे बैंक की बात करें तो जैसे कोटक महिंद्रा का 29 पे पी चल रहा है, तो बहुत ही महंगे दाम पे चल रही है। उसके अगेंस्ट अगर हम लोग एक्सिस बैंक को कंपेयर करें तो वो और महंगे दाम पे 84 के पी पे चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो यहाँ पे ये स्टॉक ऐसा है, अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड है पैसा लगाने को तो ये एक ऐसा स्टॉक है, ऐसा स्टॉक हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, पैसा लगाना चाहते हो तो। डेफिनेटली ये स्टॉक लंबे अवधि के लिए ऐसा स्टॉक है जो हम लोग छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न ये लंबे अवधि के लिए देगा। ऐसी बैंक या कंपनी नहीं है कल डूब जाएगी परसों डूब जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बैंक है, इंडिया की सबसे बड़ी जो है दिग्गज कंपनी है। मार्केट कैप्स के हिसाब से HDFC जो ग्रुप है सबसे बड़ा दिग्गज ग्रुप है, तो सबसे लंबे टाइम के लिए ये कंपनी उसके पीयर कंपटीटर के मुकाबले अभी जो है कंपैरेटिवली यहाँ पे अच्छे खासे वैल्यूएशन पे हमें देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, करते हैं कंपनी का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग ऑल टाइम चार्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पे एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है 2003 से लेके 2020 तक का, यानी कि पिछले 17 साल का डेटा देख पा रहा है। और अगर हम लोग देखें तो बैंक ने बहुत अच्छी रैली दी है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, और जब भी स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरावट हुई है तो बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर लिया है, बहुत डीप करेक्शन नहीं आया, और जब भी यहाँ पे डीप करेक्शन आया तब स्टॉक ने खुद को बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। तो देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छी बैंक है लंबे टाइम के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे पिछले 17 साल का डेटा देखें तो एक कन्विंसिंग डेटा लग रहा है यहाँ पे बहुत। देखते हैं कंपनी का पिछले कुछ महीने का ट्रेंड। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जब जनवरी फरवरी में स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तो यहाँ पे स्टॉक ने जो है 2,500 रुपए का हाई लगाया था। उसके बाद जब मार्केट गिरा था कोविड-19 की वजह से तो यहाँ पे स्टॉक ने जो है 1,500 रुपए का लो लगाया था, और उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे रिकवरी आई थी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जब भी स्टॉक इसे 1900 से लेकर 2000 के जोन के आसपास पहुंचता है तो वहां से हम लोग बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस उस लेवल पे स्टॉक फेस करता है और वहां से नीचे आ जाता है। तो आने वाले समय में भी अभी देखने वाली बात यह है कि इस लेवल को क्रॉस कर पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी रैली हो चुकी है स्टॉक में, और
अगर हम लोग यहाँ पे आने वाले सेशन में मंडे को यहाँ पे खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत ही अलर्ट होना चाहिए। तो क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रैली जो है, जो रैली होनी चाहिए थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा अगर हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिसेंटली माइंड ट्री के यहाँ पे जो है रिजल्ट आए थे, लेकिन रिजल्ट शानदार होने के बावजूद उस दिन यहाँ पे स्टॉक में जो है 9% की गिरावट हुई, क्योंकि यहाँ पे जो रैली एक्सपेक्टेड थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी स्टॉक में। तो देखा जाए तो मंडे को हम लोग डेफिनेटली आने वाले सेशन में इंट्राडे के हिसाब से इमीडिएटली या पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से इमीडिएटली नहीं लेंगे स्टॉक, अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक के ऑलरेडी जर्नी यहाँ पे अच्छी खासी रैली हो चुकी है, यह आपको ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। स्टॉक के शॉर्ट टाइम ट्रेंड को एनालिसिस करें, यानी कि पिछले 3 महीने का यहाँ पे चार्ट देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक एक जो है साइडवेज में चल रहा है। साइडवेज मतलब जब भी स्टॉक इसके 1900 से लेके 2000 के लेवल के बीच में यहाँ पे जाने की कोशिश करता है तो वहां से हम लोग जो है स्टॉक में गिरावट देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, दूसरे बार, तीसरे बार और चौथे बार अभी ये इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो इस लेवल को बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है जो निकल के आ रहा है अराउंड 1700 रुपए से लेके 1750 के बीच में। तो इस लेवल के आसपास जब भी स्टॉक आता है तो अच्छा खासा लेवल पे सपोर्ट लेके स्टॉक जो है इसके नीचे नहीं गिरता, तो आने वाले दिनों में ये लेवल जो है स्टॉक के लिए सपोर्ट का अच्छा खासा काम कर सकता है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे पोजिशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपकी अगर होल्डिंग होगी और अगर आप स्टॉक में लॉस में हो तो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो लंबे टाइम के लिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है। डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, जो इसका प्रीवियस हाई है जो 2500 है वो आने वाले 2 क्वार्टर के में कम से कम हम लोग जो है रिकवर क्रॉस होते हुए देखेंगे। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग की बात करें और अगर आप स्टॉक में प्रॉफिट में हो तो आप यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर हो तो। अगर आप लंबे टाइम के ट्रेडर हो तो आप होल्ड कर सकते हो, दोनों केस में आपको बताऊंगा। जब भी स्टॉक इसके सपोर्ट के आसपास पहुंचता है, जब भी स्टॉक गिरा हुआ मिलता है तो आप यहाँ पे जो है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री में यहाँ पे आपको अवॉइड करूंगा स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर से यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली हो चुकी है, जहां पे स्टॉक ने जो है अराउंड 1625 रुपए से लेके स्टॉक जो है 1960-70 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी गया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 2000 का लेवल भी स्टॉक ने जो है तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अगर हम लोग इस लेवल की बात करें जो इसका रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 2010 रुपए पे, तो इस लेवल को स्टॉक जो है क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 2 बार यहाँ पे कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश असफल रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप अवॉइड कीजिए स्टॉक को, क्योंकि रैली जो चाहिए थी वो हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जरूर ध्यान में रखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लंबे टाइम के लिए हमें रखना चाहिए स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में। एज वेल एज यहाँ पे बैंक की बात करें तो दिग्गज बैंक है, कंपनी की बात करें तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रमोटर जो है HDFC ग्रुप है। एज वेल एज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पिछले कई सालों से 17 साल से बहुत ही बढ़िया और अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। तो डेफिनेटली स्टॉक में अगर आप यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ये स्टॉक मस्ट बी इन आवर पोर्टफोलियो, ऐसा स्टॉक है ये। दोस्तों ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस, डेफिनेटली आप आपका खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बाद ही स्टॉक में एंट्री एग्जिट के बारे में सोचिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।